रादौर में कल शाम हुई बारिश और ओलों गिरने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की मौत नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या कर दी है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मामले की तिथि करने की कोशिश की, लेकिन परिजन इस मांग पर अड़े रहे कि युवक की हत्या की गई है। साथ ही कुछ लोगों ने उसे बांधकर पेड़ से उसको जान से मार दिया। वहीं पुलिस ने उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए युवक की दोबारा से पोस्टमार्टम कराने के लिए गुना लाए गए, जहां पर जिला चिकित्सालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं युवक की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि राधोगढ़ टीआई का कहना है कि युवक की मौत बिजली गिरने से हुई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है। मेरे भाई का हुआ है। क्या नाम है आपके भाई का? मेरा नाम बबलू है। आपके भाई का नाम? राजवीर सिंह। आपको कैसे जानकारी लगी, क्या हुआ? जानकारी लगी, मैं रास्ते में था, ईंट ढांक रहा था, वहाँ से आवा तो सब छोड़ कर लकड़ी काट रहे थे, जलाओ लकड़ी काट के उसने बोला मैं पानी पे वाला भैंसा तू ईंट ढाकवा दे। भैंसा पहुँच गए वहाँ, ईंट ढांक रहा था वहाँ स्कूल के पास। मैं लौट करके आया तो वहाँ चिल्ले चौंट हो रही थी, मुझे देख कर पिताजी और एक मेरा ताऊ का लड़का माँ कहीं से साथ में थे तीनों जन, वहाँ छोड़ कर भाग गए वो लोग। फिर आपने कंप्लेंट करी थाने में? कंप्लेंट करी नहीं, आवार हम FIR काट दी सर। फिर यहाँ गुना कैसे लेके आओ? गुना ट्रैक्टर से लेके। क्यों? दोबारा पोस्टमार्टम करा के रेस के साथ। तो आपको रास्ते में पुलिस ने रोका था क्या? पुलिस ने रोका था। क्या बोल रहे थे पुलिस वाले? गुना मत ले जाओ, कोई जरूरत नहीं, यही हो गया पोस्ट। किसने बोला? यही साहब ने बोला था, दरोगा ने बोला। क्या बोल रहे थे? राजू राजवीर नाम है इनका यादव, और ये जो है कल शाम की घटना है, इन्होंने अंडर डालो सूचना दी थी इनके परिजनों ने जो है उनकी हत्या कर दी गई है इस सूचना पर जो है, और लोग स्पॉट से बॉडी लेके गांव वाले इनके मृतक परिवार के लोग अपने घर पे चले गए थे। तो जब पुलिस वहाँ पर गई, उसका सुबह जो है उसकी बॉडी को लाया गया और रावगढ़ में डॉक्टर की पैनल से CM कराया गया और घटनास्थल में निरीक्षण FSL अधिकारी और निरीक्षक के द्वारा किया गया। अब जब इसका वो कराया गया PM रिपोर्ट, डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी मौत कैसे शॉर्ट की रिपोर्ट में, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से इसकी मौत हुई है। तो हमने इस चीज़ को उनको अवगत कराया गया था, तो इनका ही कहना है कि बोले नहीं साहब वो तो हत्या हुई है। तो मैंने उनसे बताया कि भाई हत्या के उसमें कोई लक्षण निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि साहब हम यहाँ की जो PM रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं, हम चाहते हैं इसका दोबारा PM गुना से कराया जाए। तो उनकी इस मांग पर हमने जो है यहाँ पे कलेक्टर साहब से परमिशन लेके उसका पुनः जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम करवाया। कौन से गांव घटना है सर? ये घटना गोमुख गांव की। तो जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है वो किसके ऊपर लगा रहा है? आरोप ये सामने वाली पार्टी के नाम पे लगा रहे हैं, और उसमें हमने थाने का रिकॉर्ड देखा तो ऑलरेडी दोनों पक्षों के बीच में मुकदमा पर पंजीबद्ध होकर जो है न्यायालय में विचार दिए हैं, और ये जो मृतक पार्टी है इनके ऊपर 307 का प्रकरण पंजीबद्ध है। अच्छा, क्या कारण रहे यहाँ पुलिस छावनी बना दिया क्या हॉस्पिटल को? नहीं, छावनी बनाने जैसा कोई ऐसा कारण नहीं है। अभी चुनाव की स्थिति चल रही है और कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट ना हो, इसलिए कानून व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पे पुलिस को बुलाया गया। स्थानीय पुलिस और बाहर की पुलिस नहीं लाई गई है।